नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। कोरोना महामारी की वजह से देश के करीब सभी राज्यों में स्कूल कॉलेज पिछले 1.5 साल से बंद पड़े हैं। हालांकि पिछले साल अक्टूबर नवंबर में कुछ राज्यों में स्कूल खोले गए थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते एक बार फिर स्कूलों को बंद कर दिया गया था। अब जब कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है तो फिर कुछ राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में स्कूल अभी भी बंद है। ऐसे में अब दिल्ली में स्कूलों को खुलवाने के लिए अदालत से गुहार लगाई गई है। दिल्ली के एक 12वीं के छात्र ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अमर प्रेम प्रकाश नाम के इस 12वीं के छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर स्कूलों को खोलने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि पिछले साल मार्च अप्रैल से स्कूल बंद है, जिसका छात्रों पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है। कई छात्र तनाव का भी शिकार हो रहे हैं। 12वीं के छात्र का कहना है कि जरूरी शिक्षा से वंचित छात्र छात्राएं ऑनलाइन क्लासेस की समस्याओं के चलते शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजरने को मजबूर हैं, इसलिए स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ने अभी तक स्कूल फिर से खोलने के संबंध में फैसला नहीं लिया है। गौरतलब है कि दिल्ली को छोड़कर ज्यादातर राज्यों में स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। हालांकि स्कूल खुलने के बाद मध्य प्रदेश पंजाब सहित कई राज्यों में बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ऐसे में दोबारा कई राज्यों में स्कूलों को फिर से बंद करना पड़ा है। दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने के मामले में रायशुमारी भी कराई थी। इसमें स्कूलों, अभिभावकों, प्रबंधकों और अन्य संबंधित पक्षों से सलाह भी ली गई थी। आपको बता दें कि पंजाब में स्कूल खुलते ही 33 बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा स्कूली बच्चों में कोरोना वायरस पाया गया है। इस बीच राजस्थान ने भी 1 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खोलने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी 5वीं से 12वीं क्लास तक के स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइंस तैयार की थी, लेकिन कोविड टास्क फोर्स ने अभी स्कूल खोलने के पक्ष में कोई राय नहीं दी। ऐसे में फैसला टाल दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।